रेल में थे, वहाँ पर बर्फ पड़ गई जी, और 7 बकरियाँ गुम हो गई हैं और बच्चे मर गए हैं छोटे, जो 2-3 दिन के थे। और उसके बाद जो भेड़ें थी जंगल में रह गई, वो बर्फ़ से कुछ मर गई हैं। दब गए? अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ जी, 2 भेड़ें मर गई हैं और 3-4 वो गुम है, ये अभी तक कोई नहीं मिली है जी। अच्छा मौसम कब बिगड़ा था? मौसम बिगड़ा जी, आज तो बार है मंगल, शनिचरवार को रात को बर्फ़ पड़ी है जी। अच्छा। हाँ जी, इतवार को मतलब फिर हम घर से गए हैं, ऊपर वो ये लड़का था, तो उसके बाद वहाँ पर जी गए थे, तो भेड़े 2-3 ले आए थे, और वो इलन जो होती है वो खा रही थी दो। इले? अच्छा हाँ इले, हाँ जी, ते फिर वो ऐसे छांटे छूटे चुक के सट देंगे, और क्या करना है, फिर मुआवजा कोई नहीं जी, वहाँ पर कौन जाएगा, बर्फ में कौन जाता है। याज निकाली? हाँ जी। अच्छा, देखिए इसमें सारी भेड़ों की ऊन है, लगभग 30 भेड़ों से इतनी ऊन निकाली है इन्होंने। तो ये इनका डॉग है और ऊपर फीमेल डॉग है। इसकी तो मुझे उम्र ज़्यादा लग रही है, कितनी है इसकी उम्र? इसकी उम्र जी बहुत है, कोई 10 साल होगी। दांत जो घस गए हैं जी, ये बोल रहे हैं इसके दांत घिस गए हैं और इसके चेहरे में आगे सफ़ेद बाल हो गए हैं, ये देखिए। दो ही है कुत्ते? दो हैं जी, घोड़े? घोड़े नहीं है जी। चेरी। और पेड़ पे कौवा बैठा हुआ है, अभी देखिए उड़ गया। तो कौवे पे टूट के पड़ती है चेरी, और आज धूप में डॉली को नहा रहे हैं, देखिए। और ये है देखिए भालू, 7 महीने का। चेरी नो, चेरी के कान में थोड़ी दिक्कत है, तो कई बार ये खेलते खेलते दुखा देती है, तो चेरी गुस्सा हो जाती है। डॉली को तो नहा दिया, अभी चेरी को नहाना था और वो भाग गई, क्योंकि वो पानी से बहुत डरती है। नहाने के डर से चेरी भाग गई थी, 1 घंटे बाद आई है, और अब इसको नहा रहे हैं। अभी खट्टे खाएंगे हम, तो नमक पीसा जा रहा है। ये है माइकल। इवनिंग में मैं इनको घुमाने लाया हूँ अभी, और ये देखिए ईवा तो आ गई, बाकी वो दोनों भी आगे चली गई हैं।
ईवा चैरी और डॉली से ज्यादा मेरे पे भरोसा करती है। इबू कम बाय। लेकिन थोड़े से बैर खा लेते हैं यहाँ पे पहले। आमले खा लेते हैं। तो वो दोनों गायब हो गई, चैरी और डॉली। ईवा कम, वो आ रही है वहां से। मैंने आवाजें लगाई, ये देखिए, कम कम गुड गर्ल। जब मैं ईवा को कॉलेज से यहाँ घर लाता हूँ तो 5,000 आने का और लगभग 5,000 वापस जाने का फिर से खर्चा आ जाता था, तो टोटल 10,000 आप समझो, क्योंकि मुझे स्पेशल कार करनी पड़ती थी। और इस बार मैंने सोचा कि बस में ही लेके जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए। तो पहले कांगड़ा तक मुझे एक लोकल बस मिली और कांगड़ा से एक सीधी बस आनी थी शिमला के लिए। पहली बस वाले कंडक्टर भैया ने फ़ोन पे पहले ही बात कर ली उनसे कि ऐसे ऐसा डॉग है और वेट करना। उन्होंने लगभग 5 मिनट तक वो न्यू प्रेम बस रोके रखी। इसका भी एक अलग से टिकट कटा। तो जो भी डॉग्स बस में ले जाना चाहते हैं, पहली बात तो ये, अगर आपका डॉग फ्रेंडली है तो आप लेके जा सकते हो। और ये तो है भी तिब्बतन मैस्टिफ, लोग बोल रहे थे शेर है, डर रहे थे, लेकिन फ्रेंडली बनाई है मैंने, काटा नहीं किसी को। नहीं है, पार। अभी इसको पता नहीं लग रहा क्यों भाग रहे हैं। चलो चलो चलो, घूमी 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 चेरू, चलो चलो चलो। चेरी सबसे सीनियर है। और पहले तो डॉली पे चेरी ही धाक जमाती थी, लेकिन ईवा और चेरी की टकरार होती रहती है बीच बीच में। ईवा भी अपने साइज से इसको डराती है चेरी को, लेकिन चेरी भी डरती नहीं है। लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है इनकी लड़ाई तो होगी सीरियस वाली। देखिए ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जो लगे हैं इस पे हर्बल मेडिसिन में इनका यूज़ होता है। और ये है कड़ी पत्ता, और ये है बेर का पेड़, उससे अगला है खट्टे का पेड़ जो आज हमने मुरब्बा बनाया था, ये आम का पेड़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ लगी हैं। खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है, ईवा के लिए लंच टाइम में इसको घुमाना पड़ता है, और कहीं मैं व्लॉग बनाने जाता हूँ तो रात को वापस ही आना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि ईवा को अंदर बांधना होता है। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चरवाहों के पास जाते हैं रात को, उनके साथ क्यों नहीं रुकते? एक तो गोप्रो है मेरे पास लो लाइट में बेकार, दूसरा कि ईवा देखनी पड़ती है। तो अभी सोच रहा हूँ कि इसको घर में रखूँगा इस बार। डॉलू हमारी आजकल कोट शेड हो रहा है इसका, देखिए। और ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये है स्ट्रीट डॉग, अडॉप्ट किया है, तो इसीलिए स्ट्रीट डॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। कितनी ज़्यादा चुस्त है, कितनी ज़्यादा एक्टिव है, और इनको बीमारियाँ भी कम लगती हैं। कम 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 कम, देखिए चेरी ले आई है। यहाँ पे कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका सिर्फ हमें ही पता है कि उनमें सीजन के लास्ट तक अमरूद रहते हैं। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है। पहले बैर खाया, आंवले खाए, अब अमरूद। यहाँ पे संतरे वगैरह, खीरे वगैरह और भी बहुत कुछ लगता है, लेकिन अभी वो आज जा नहीं सकता क्योंकि सब्जियां भी लगाई हैं और ये तीनों ख़राब कर देंगी। तो गांव में रहने के ये फ़ायदे होते हैं। तो अभी दोनों मिलके इसको तंग कर रही हैं। डॉली दादागिरी झाड़ रही है। पकड़ चेरी, सीधा चेरी पे।
तो देखिए डॉली ईवा पे अटैक कर रही है और ईवा डॉली की बजाय ज़्यादा अटैक इस पे कर रही है। छोटे छोटे फ्रूट्स ये भी हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए। मैंने सुना कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इनसे, तो यहाँ देखिए लोगों ने सूखे घास को काट के यहाँ पे बिछा दिया है। हमारे घर के नीचे देख लीजिए जंगल है, तो मम्मी बोल रहे हैं कि रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में तेंदुआ कल भी आया था और गुर्रा रहा था। तो ये देखिए इन झाड़ियों में साथ में ये आंगन है। पहले हमारे पास एक जर्मन शेफर्ड थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो पूरे साल हमने वो अंदर रखी, एक दिन सिर्फ बाहर निकाली थी क्योंकि उस दिन वो चिल्ला रही थी, तो यहाँ पे बैठ गई हो। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से ही वो तेंदुआ आके ले गया, पता भी नहीं लगा, उसने चीख भी नहीं मारी। तो इतना डेंजरस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इसलिए हम इन तीनों को अंदर रखते हैं रात को। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, हरिओम।